तो किहड़े हस्पताल ने जिन्हां दे नाम इस घोटाले दे विच सामने आए ने उन्हां ते सरकार वालों की कार्रवाई की गई अते क्यों एक खुलासा करने वाले डॉक्टर नूं हाईकोर्ट तक का रुख करना पिया। इन्हां सारे सवालों के जवाब भी तुहानूं देवांगे इस रिपोर्ट के जरिए। गर्ग नर्सिंग होम मोगा, जिंदल ऑर्थो केयर मानसा, वर्मा हस्पताल अमृतसर, आस्था हस्पताल बठिंडा, आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा, आकाशदीप हस्पताल अमृतसर, कपूर हस्पताल जलंधर, मनु अरोड़ा हस्पताल अमृतसर, लाइफलाइन हस्पताल मोहाली, न्यू लाइफ हस्पताल अमृतसर, संधू लाइफ केयर हस्पताल अमृतसर, रतन हस्पताल जलंधर, नीलकंठ हस्पताल अमृतसर, अमन परीत हस्पताल कपूरथला। पंजाब दे मालिये दी सेहत बिगाड़न वाला ए स्कैम किन्ने वड्डे पद्धर ते अंजाम दिता जा रहा है, उस दी झलक पर है ए फेरिस्त। डॉक्टर वितुल गुप्ता दी शिकायत तो बाद पंजाब दी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट नू इस दी जांच सौंपी गई। जांच हुई अते डॉक्टर वितुल गुप्ता दे सारे इल्जाम सच साबित हो गए। साडे क्लाइंट है डॉक्टर वितुल हैं जेडे कि डॉक्टर ने बठिंडा च आप तो वो एक हस्पताल आप काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि तो बड़ा बुरा हाल है कि जब इंस्पेक्शन का टाइम आता है तो कितों बाहरों फड़ के लिया ने पेशेंट तो वार्ड भर देंगे ने इंस्पेक्शन खत्म तो वार्ड खाली तो फाइलें चल रही। उन्होंने गल बहुत जगह पंजाब सरकार को घट्टो घट 50 चिट्ठिया पाई ने हरेक अथॉरिटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर सबनों पाइया तो वो जी इंक्वायरी मार्क होगी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी, ते इन्वेस्टिगेशन तो बाद पाया कि ये गल बिल्कुल सही है, तथ्य बिल्कुल सही ने। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट वालों किस तरह इस जांच नु अंजाम देता गया, सरकार नु चूना लगा रहे हस्पतालों से की कार्रवाई हुई, ये जानने के लिए पीटीसी न्यूज SAFU दे दफ्तर पहुंचा। कमेटी हैव डीपैनल्ड 16 हॉस्पिटल सो फार एंड 12 हॉस्पिटल्स हैव बीन सस्पेंडेड। 26 hospitals have been issued with warning letters. Some hospitals have been issued with penalties also. So these kind of actions we have taken. Chairman Safu have passed an order. The district authorities new instructions pass kiti gayi hai. Kapoorthala da hospital hai. Te ode khilaf FIR karan de order hoye ne. State anti fraud unit valo doshi paaye gaye hospitala nu डी इम्पैनल्ड कर दिता गया है, जिसका मतलब है कि ये हस्पताल हुण इलाज करन तो बाद उसका पैसा सरकार कोलों नहीं वसूल सकते, जिस नाल भावें ही हस्पतालों का मुनाफा घट गया होवे पर उन गरीब मरीजों के लिए परेशानी बढ़ गई है जिन्हें इतने मुफ्त इलाज की सहूलत मिलनी सी। इस तो इलावा कपूरथला के एक निजी हस्पताल से FIR करने के निर्देश भी जारी हुए ने, पर मामला इतने ही खत्म नहीं हुंदा क्योंकि इस पूरे स्कैम का खुलासा करने वाले डॉक्टर वितुल गुप्ता ने इस मामले नु लेके हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन भी दायर कीती है। असी मानयोग हाई कोर्ट तो यही मांग कीती है कि इहदे च थोरो इनक्वायरी होवे लोकल मेडिकल कॉलेज दे अगेंस्ट, जिहदे च घपलेबाजी को इनकम टैक्स दा हैगा, जिहड़े डम्मी पेशेंट दाखिल करदे आ उहनां दी फीसां कित्थों दाखिल करदे आ, ओह जिहड़े OPD पेशेंट दिखाते हैं या जिहड़े घोस्ट फैकल्टी है डॉक्टर जाते हैं उत्थे जिहड़े काम नहीं करते हैं, ये सारी कारगुजारी ते थोरो CBI इनक्वायरी होनी चाहिए है, ते नाल दी नाल ही FIR दर्ज होनी चाहिए है जिहड़े भी इंश्योरेंस फ्रॉड दे विच डॉक्टर है या हॉस्पिटल है या कोई बंदे है या कोई एजेंट है जिहड़े भी इनवॉल्वड हैगे है उन्हां अगेंस्ट क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए है। जिन्नी देर तक ये चीज़ा नहीं होणगियां ये फ्रॉड बधी तुरी जाणगे। सरकारी मालिये नूं टाल लाउण वाले, गरीब मरीजां दी लुटखो करन वाले, डॉक्टरी पैसे दा अक्स मिट्टी विच रोलण वाले, इन्हां हस्पतालां दे खिलाफ सरकार वल्लों मामूली जिही कारवाई करना किन्ना कु जायज़ है, ये सवाल काफी वड्डा है। असी काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्हों नूं डीम पैनल कर दिता गया हैगा सी उन्हां दे विच जा के उन्हां दा पक्ष जानने की कोशिश की हैगी है, लेकिन कोई भी कैमरे दे अगे आ के अपना पक्ष नहीं रखना चाहता। सवाल वड्डे ने,
कि बगैर सरकारी मिली भुगत दे इन्ने वड्डे पद्धर ते करोड़ों रुपया का कपला सरकारी खजाने दे नाल कीता जाना मुमकिन है। जे सरकार दी जांच विच सारियां बेनियमियां सच साबित होईयां तां हस्पतालां खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस भ्रष्टाचार विच शामिल लोकां दे खिलाफ कोई कार्रवाई हुण तक क्यों नहीं कीती गई? कि महज एक हस्पताल ते FIR दर्ज कीते जाण नाल अजिहे गोरख धंधे चला रहे हस्पतालां नूं कोई सबक मिल सकेगा?